गोटे गाँव सुखीराम एवं दुखीराम दुई भाई रोते। दुखीराम पुअर ना रमेश थिला एवं सुखीराम पुअर ना महेश। दुखीराम पुअ रमेश सहर से पाठ पढ़ी आसी किंतु महेश परिश्रम कर मूल्य लगे निजर घर चलाउला। महेश निज क्षेत्र में कम करुला सेत बड़े रमेश सेठार निजर नुआ गाड़ी बस बाहर से महेश को देख कार को रखिला। केते खरारे तते ठीक उडिया काम करबा को पड़छी आ मते देख मु एसी कार रे बोलुची। निज निजर भाग्य भाई। हां हां भाग्य बदलेबा को पड़े किंतु तते मूलिया काम पसंद थिला आ मते मालिक होबार थिला आ देखो जा हेबा को भाबली ता हेई गली। रमेश उपहास करी निज घर को चली गला। केबे तू निज जीवन रे किछि करबा को भाबिछु ना एमिति ही महंगा रे पेट्रोल सरेबार अछि। एते प्रॉपर्टी जदि अछि तबे बिजनेस ही करबी एबे मु सेही महेश भली मूलिया काम तो करि परबिनि। सुखराम बहुत खुशी रहुची किंतु मु केबे खुशी रहिनी तार पुओ ताको बहुत खुशी रे रखुची। चिंता करनी बापा मु जल्दी ता घर को सुखरे बदलई देबी। अरे ए पर्यंत तो तू किछि भी करि पारिलुनी एबे हटात कोनबा कर दबो आपण देखु थांतु सब किछि हे जीवो। रमेश निज बापा सहित मिसी महेश विरुद्ध रे षडयंत्र करबा को लागिला। रमेश सुखीराम पाख को गला आउ धोकारे तार सब जमी हासिल करनेला। आगामी दिन जेबे महेश खेत में पहुंचला तेबे रमेश मध्य सेठी को निज कार रे बसी ता पाख को गला। ए महेश मो खेत को खाली कर दे। ए खेत मोरो। मूर्ख लोकटा तू मु कहली ना ए खेतटा मोरो। ए देखो पेपर तो बापा सबु जमी मो नारे कर दी छंती। एपरी हेई परिबनी से पर्यंत सेठा को वकील दुखीराम एवं सुखीराम मध्य आसी जायथिले। मो मोर जमी को कहारो ना रे भी करिनी मु बा काहे की एमिति करबा को जिबी। वकील बाबू थरे एही बापा बुओ को सब पढ़े सुनई दियंतु जेउं तिरे सुखीराम दादा साइन करचंती। कागज रे तो एपरि ही लेखा आइछि जे सुखीराम रो पुओ महेश मूर्ख अटे एति पई से निजर भाई रो पुओ को सब जमी दे दैछंती। नाही नाही सर मु एमिति किछि भी करिनी। थरे हेले सुखीराम एवं ता पुओर कथा किए मध्य सुनिलेनी आउ दुही को खेतरु बाहर कर देले। एही प्रकारे दुई को घर मध्य खाली करबा को पड़िला। बापा आम एठारु दूर को चली जिबा अन्य के उठि के जाई रोजगार करबा खाइबा। हां पुओ मो कारडरु सब शेष होई गला। एथिरे आपनकर कोनसी भूल नै ईश्वर सब देखुछंती। सुखीराम निज पुओ महेश सहित गां को छाडी चली गला। दुखीराम एवं तार पुओ ए सब करी बहुत खुशी थिले। रमेश सेही जमी रे गोटी बिल्डिंग तयारी करबा आरंभ कर देला। पुओ रमेश एबे आगो को कोन करिवार अछि। मु एबे गुटी बिल्डिंग तयारी करछि आ तारा फ्लैट बिक्री करबी आमे एथुरु बहुत पैसा रोजगार करिवा। ताहेले तो खाली पैसा ही पैसा आसीबो। बिल्डिंग तयारी करिवार काम खिप्र गति रे आरंभ होई गला आ दुखीराम मध्य सेतिकि खुशी रहबा को लागिला। किंतु दिने ताकु निज भाई सुखीराम कथा मने पड़ी गला आ से ताकु खोजिबा पई पाखा पाकी गां को निज कार रे गला। सेहिटी सुखीराम एवं तार पुओ महेश मूल्या काम करथिले। सेठी गोटे नुआ घर तयारी होतिला। वाह 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 मजा आसी गला। आ सुखीराम एबे तो सुखरे अछु। हां भाई दी मुठा भात शांति रे खाउछु आमे बहुत खुशी रे अछु। मु तो याकु हैरान करबा को आसुतली किंतु ये तो बहुत खुशी रे अछि मानिबा को पड़िबो सब किछि हरेई मध्य खुशी रे अछि एपरि केमिति हेई पारिबो। मते याकु गोटे मुठा भात पई हैरान करबा को पड़िबो तेबे जाई मते शांति मिलिबो। दुखीराम दुही को कामरु बाहर करे देला आउ आखो पाखरे समस्तंकु सतर्क करे देला जे एही दुही को कामरे न रखा जाउ। महेश एवं तार बापा दुहे रास्ता कडरे बसीथिले। बापा मोर ही सब भूल थिला मते भलो भाबे पाठ पढिबा उचित थिला एबे तो जीवन रे आउ किछि भी बंचिनी। हां 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 आउ एबे तो हम को के काम मध्य देउ नाहंती। दुहे आत्महत्या करबा पई भाबे जंगल को चली जानती। जंगल रे गोटे नदी अछि जेउठी जने जादूर बामन पड़ी जाइछि। मु एबे याकु बाहर को बाहर करछि। महेश दौड़ी जाई बामन को बाहर कला। महेश तू कहिथिलु ना जीवन रे करबा पई आउ किछि नाही आमे एपरि छोटो छोटो प्राणी को पई किछि करि परिबा। हां आमे गोटे डैम आ गोटे पोलो तयारी करि परिबा। मोर बापा मा नदी रो आर पठ रे अछन्ते मु पानी रे पड़ी जाइथिले मते मोर परिवार पाख को जीव को अछि। महेश बामन को कांधरे बसाई
तार परिवार पाखरे छाड़ी देला। आउ सुखीराम गोटे नौका तयारी कला, ता सहित काठर गोटे पोल मध्य तयारी कला। बामनर मुखिया ताकु किछि धन देले, जार साहाज्य रे गोटे डेम तयारी होइगला एवं महेश आउ सुखीराम मिसी गोटे छोटिया सुंदर घर मध्य सेमानक पई तयारी कर देले। एहा तो बहुत बढ़िया हैला। बामनर परिवार लोके महेश को दुईटी माठिया हीरा एवं अलंकार देले, जाहाकु नै दुहे निज गां को फेरी आसिले। आउ गोटे बड़ महल तयारी कले, ता सहित गोटे भल व्यवसाय आरंभ कले। दुहे खुशी खुशी रहिबाकु लागिले। ए दुहे एते धनी किपरि हेइ पारिबे, चिंता करनी, ए दुहे बहुत मूर्ख लोक, एमाने तो एहे भी जानी नाहंती जे एही धन को मु पुड़ी छड़ै नेबी। निश्चय एहा चोरीर माल, एथि पई एबे एहा आमको ही नेबाकु हेबो। हां हां, मु काली ही ओकिल सहित कथा हेबी। आउ तो घर तयारी करिवारे ते माल काहे की खर्च करूछु? मु पागल नुहे जेउठी एते पैसा खर्च करिवि, सबु नकली माल। थरे बिल्डिंग पूरा हे जाऊ आ फ्लैट बिक्री हे जाऊ, तापर कथा मु भाबेनी। रातिरे बहु जोरे झड़ बतास, वर्षा, पवन एवं भूकंप हैला। आउ रमेशर बिल्डिंग भूकंप रे पड़िगला। दुहे दौड़ी जाई सेठारे पहुंचले, किंतु से पर्यंत सबु माटी होई सारथिला। दुहे मुंड को धरी तले बसी पड़िले। गोटिए गाँव रे सुखीराम एवं दुखीराम दुई भाई रहउथिले। दुखीराम रो पुअर ना रमेश थिला एवं सुखीराम रो पुअर ना महेश। दुखीराम रो पुअ रमेश सहर रे पाठ पढ़ी आसीछि, किंतु महेश परिश्रम करी मूल्य लागि निजर घर चलाउथिला। महेश निज क्षेत्र काम करथिला, सेतेबेले रमेश सेठारो निजर नुआ गाड़ी रे बसी बाहरिला। से महेश को देखि कार को रखिला। केते खरारे तते ठीक कुडिया काम करबा को पड़छि, आ मते देख मु एसी कार रे बोलुछि। निज निजर भाग्य भाई। हां हां, भाग्य बदलेबा को पड़े, किंतु तते मूलिया काम पसंद थिला आ मते मालिक होबार थिला। आ देखो जा हेबा को भाबिली ता हेई गली। रमेश उपहास करी निज घर को चली गला। केबे तू निज जीवन रे किछि करबा को भाबिछु ना? एमिति ही महंगा रे पेट्रोल सरेबार अछि। एते प्रॉपर्टी जदि अछि तबे बिजनेस ही करबि, एबे मु सेही महेश भली मूलिया काम तो करि परबिनि। सुखराम बहुत खुशी रहुचि, किंतु मु केबे खुशी रहिनी। तार पुओ ताको बहुत खुशी रे रखुचि। चिंता करनी बापा, मु जल्दी ता घर को सुखरे बदलै देबी। अरे ए पर्यंत तो तू किछि भी करि पारिलुनी, एबे हटात कोन बा करि दबो, आपण देखु थांतु सब किछि हे जीव। रमेश निज बापा सहित मिसी महेश विरुद्ध रे षडयंत्र करबा को लागिला। रमेश सुखराम पाख को गला, आउ धोकारे तार सब जमी हासिल करनेला। आगामी दिन जेबे महेश खेतरे पहुंचिला, तेबे रमेश मध्य सेठी को निज कार रे बसी ता पाख को गला। ए महेश, मो खेत को खाली करी दे। ए खत मोरो। मूर्ख लोकटा तो, मु कहली ना ए खेतटा मोरो। ए देखो पेपर, तो बापा सबु जमी मो नारे कर दी छंती। एपरी हेई परिबनी। से पर्यंत सेठा को वकील दुखीराम एवं सुखीराम मध्य आसी जाईथिले। मो मोर जमी को कहारो ना रे भी करिनी, मु बा काहे की एमिति करबा को जिबी। ओकिलो बाबू, थरे एही बापा बुओ को सबु पढ़े सुनई दियंतु, जेउं तिरे सुखीराम दादा साइन करिसंती। कागज रे तो एपरि ही लेखाई छि जे सुखीराम रो पुओ महेश मूर्ख अटे, एति पई से निजर भाई रो पुओ को सबु जमी दे दैछंती। नाही नाही सर, मु एमिति किछि भी करिनी। थरे हेले सुखीराम एवं ता पुओ रो कथा किए मध्य सुनिलेनी, आउ दुही को खेतरु बाहर कर देले। एही प्रकारे दुई को घर मध्य खाली करबा को पड़िला। बापा, हमें एठारु दूर को चली जिबा, अन्य के उठि के जाई रोजगार करबा, खाइबा। हां पुओ, मो कारोडरु सब शेष होई गला। एथिरे आपनकर कोनोसी भूल नै, ईश्वर सब देखुछंती। सुखीराम निज पुओ महेश सहित गां को छाडी चली गला। दुखीराम एवं तार पुओ ए सब करी बहुत खुशी थिले। रमेश सेही जमी रे गोटी बिल्डिंग तयारी करबा आरंभ कर देला। पुओ रमेश, एबे आगो को कोन करिवार अछि? मु एबे गुटी बिल्डिंग तयारी करछि, आ तार फ्लैट बिक्री करबी, आमे एथुरु बहुत पैसा रोजगार करिवा। ताहेले तो खाली पैसा ही पैसा आसीबो। बिल्डिंग तयारी करिवार काम खिप्र गति रे आरंभ होइ गला, आ दुखीराम मध्य सेतिकि खुशी रहबा को लागिला। किंतु दिने ताकु निज भाई सुखीराम कथा मने पड़ि गला, आ से ताकु खोजिबा पई पाखा पाकी गां को निज कार रे गला। सेहिटी सुखीराम एवं तार पुओ महेश मूल्या काम करथिले। सेठी गोटे नुआ घर तयारी होतिला।
ବା 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 ମଜା ଆସିଗଲା। ଆଉ ସୁଖୀରାମ, ଏବେ ତ ସୁଖରେ ଅଛୁ? ହଁ ଭାଇ, ଦି ମୁଠା ଭାତ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଉଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ତ ୟାକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁକିଛି ହରେଇ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଏପରି କେମିତି ହେଇପାରିବ? ମୋତେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ମୁଠା ଭାତ ପାଇଁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଦୁଃଖୀରାମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କାମରୁ ବାହାର କରାଇଦେଲା ଆଉ ଆଖପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଦେଲା ଯେ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କୁ କାମରେ ନ ରଖାଯାଉ। ମହେଶ ଏବଂ ତାର ବାପା ଦୁହେଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଥିଲେ। ବାପା, ମୋର ହିଁ ସବୁ ଭୁଲ ଥିଲା, ମୋତେ ଭଲ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏବେ ତ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ବି ବଞ୍ଚିନି। ହଁ ହଁ ହଁ, ଆଉ ଏବେ ତ ଆମକୁ କିଏ କାମ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଭାବି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଯାଦୁର ବାମନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ୟାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରୁଛି। ମହେଶ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବାମନକୁ ବାହାର କଲା। ମହେଶ, ତୁ କହିଥିଲୁ ନା ଜୀବନରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବା। ହଁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ତିଆରି କରିପାରିବା। ମୋର ବାପା ମା ନଦୀର ଆର ପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ମୋର ପରିବାର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ମହେଶ ବାମନକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ତାର ପରିବାର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ସୁଖୀରାମ ଗୋଟିଏ ନୌକା ତିଆରି କଲା, ତା ସହିତ କାଠର ଗୋଟିଏ ପୋଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କଲା। ବାମନର ମୁଖିଆ ତାକୁ କିଛି ଧନ ଦେଲେ ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମହେଶ ଆଉ ସୁଖୀରାମ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସୁନ୍ଦର ଘର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଏହା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା। ବାମନର ପରିବାର ଲୋକେ ମହେଶକୁ ଦୁଇଟି ମାଠିଆ, ହୀରା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଦେଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁହେଁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମହଲ ତିଆରି କଲେ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦୁହେଁ ଖୁସି ଖୁସି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ଦୁହେଁ ଏତେ ଧନୀ କିପରି ହେଇପାରିବେ? ଚିନ୍ତା କରନି, ଏ ଦୁହେଁ ବହୁତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଏମାନେ ତ ଏହା ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଧନକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଛଡ଼େଇ ନେବି। ନିଶ୍ଚୟ, ଏହା ଚୋରିର ମାଲ, ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଏହା ଆମକୁ ହିଁ ନେବାକୁ ହେବ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଓକିଲ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଉ ତୁ ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ଏତେ ମାଲ କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ? ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ସବୁ ନକଲି ମାଲ। ଥରେ ବିଲ୍ଡିଂ ପୁରା ହେଇଯାଉ ଆଉ ଫ୍ଲାଟ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉ, ତାପର କଥା ମୁଁ ଭାବେନି। ରାତିରେ ବହୁ ଜୋରରେ ଝଡ଼ ବତାସ, ବର୍ଷା, ପବନ ଏବଂ ଭୂକମ୍ପ ହେଲା ଆଉ ରମେଶର ବିଲ୍ଡିଂ ଭୂକମ୍ପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମାଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଦୁହେଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ।